एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। चंदन नगर क्षेत्र के दस्तूर गार्डन रोड से बजरंगियों ने करीब 10 क्विंटल गोमांस पकड़ा, जो महू से लाया जा रहा था। चंदन नगर में मांस की दुकानों पर दिया जाना था। बजरंग दल संयोजक तनु शर्मा ने मध्य प्रदेश के साथ इंदौर शासन प्रशासन से मांग की है आरोपी पर रासुका की। वही मांग की है यह जहां से लाया जा रहा था और जहां दिया जा रहा था, अगर किसी भी प्रकार का गोवंश में कोई भी रफा दफा वाला मामला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया तो बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा और विरोध प्रदर्शन करेगा। गोवंश पकड़ने में मुख्य रूप से बजरंग दल के पंकज गर्दे, ईश्वर प्रजापत, दीपेश जी पाल, पप्पू जी कोचले, योगेश प्रजापत, भूपेश सोनी सहित सैकड़ों बजरंगी आज थाना चंदन नगर पर मौजूद थे। बजरंगियों द्वारा आज चंदन नगर थाने पर गोमांस की गाड़ी पकड़ी गई, क्या मामला है? ये गाड़ी पकड़ाई थी तो सभी लोग जुड़े थे, क्षेत्र से पकड़ा है। वो यहाँ पर जाति मानसिकता के लोग गो माता को भी नहीं समझ रहे। आप देखिए, ये नगर निगम गाड़ी दिखाई है, काटो उसको। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गोमांस पकड़ा, करीब 10 क्विंटल के करीब गोमांस है और इंदौर का प्रशासन गोमांस में कहीं भी सक्रिय नहीं दिख रहा। बजरंग दल कार्यकर्ता लगातार इंदौर में गोमांस के ऊपर गो तस्करी पर रोक लगा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे गो तस्कर और ऐसे गोमांस जो भी है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो भी जो विरोधी लोग हैं उन पर भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा चंदन नगर थाने का घेरा किया गया, क्या मामला? इंदौर में चंदन नगर थाना क्षेत्र के आज बजरंग दल के हमारे पंकज जी करते, ईश्वर जी प्रजापत, दीपेश जी पाल और अन्य बजरंगियों के साथ एक लोडिंग रिक्शा का सूचना मिली, जिसमें करीब 10 क्विंटल गोमांस सूचना प्राप्त हुई। 10 क्विंटल वहाँ पाया गया, पैसेंजर रिक्शा थी, जिसमें आरोपी जो महू का था ओवेस पिता अब्दुल, उससे हमने 10 क्विंटल गोमांस प्राप्त किया है। और आरोपी से जब पूछताछ करी कि ये कहाँ से कहाँ लिया रहा, तो उसने बताया कि मैं महू से चंदन नगर में, जिसका मैं किसी चंदन नगर 9 नंबर गली का किसी भाईजान का नाम बताया और वहाँ ले जा रहा था। जब उस हमारे कार्यकर्ता उसकी पिटाई कर उससे ये कबूल कराया और चंदन नगर थाने जब्त कराया, और हमने सरकार से एक मांग करी है कि ऐसे गो तस्करों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा नहीं तो बजरंग दल अपनी शैली में सड़कों पर उतर कर कार्रवाई करेगा और ऐसे जिहादियों को तुरंत सड़कों पर ही ऑन द स्टॉप, मतलब गो माता के विषय में कुटाई करेगा। आपका नाम? तनु शर्मा, बजरंग दल, इंदौर विभाग से।